प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन पे भी क्लिक करो ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के दूसरे वार्म अप मैच में नॉर्थम्पटन शायर को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स की दौरे के दौरान पहली कामयाबी में शादाब खान की 10 विकेटों के साथ असद शफीक की शानदार का किरदार नुमाया रहा। तीसरे दिन के इकहत्तम के स्कोर 240 रन पर 5 आउट से नॉर्थम्पटन शायर ने अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाई। आखिरी दिन की इब्तिदा में पाकिस्तानी बाउलर्स को विकेट लेने में मुश्किलात पेश आई, लेकिन मोहम्मद अब्बास और शादाब खान ने उम्दा स्पेल के जरिए कौमी टीम की मैच में वापसी यकीनी बनाई। सेंचुरी मेकर कप्तान रॉब न्यूटन, जो पाकिस्तान की कामयाबी में गुज़श्ता रोज से हायल थे, उनकी इनिंग्स का इकहत्तम मोहम्मद अब्बास ने किया। उन्होंने 118 रन की पर एतमाद इनिंग्स खेली। कप्तान की अहम तरीन विकेट खो देने के बाद नॉर्थम्पटन शायर के बाकी खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में पाकिस्तानी बोलर को ज्यादा मूड शिकिलात का सामना नहीं करना पड़ा और पूरी टीम 301 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास और शादाब ने 4-4 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स की बर्तरी की बदौलत पाकिस्तान को मैच में फतह के लिए सिर्फ 133 रन का हदफ मिला। हदफ के तौकुब में पाकिस्तान को इब्तिदा में ही उस वक्त नुकसान उठाना पड़ा जब विकेटों के दरमियान गलत फहमी के नतीजे में अजहर अली को पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद इमाम उल हक का साथ देने हारिस सुहेल आए और दोनों खिलाड़ियों ने बगैर किसी नुकसान के टीम को हदफ तक रसाई दिलाकर फतह से हमकनार किराया। दोनों खिलाड़ियों ने नाकाबिले शिकस्त 120 रन की शराकत कायम की। इमाम ने 59 और हारिस ने 55 रन बनाए। पाकिस्तान दौरे का बाकायदा आगाज 11 मई को आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से करेगी, जो आयरिश टीम का पहला टेस्ट मैच होगा।